सारे भाई का कमेंट भी आ रहा है कि भाई मुझे एडिटिंग सीखना है, मुझे भी एडिटिंग सिखाई। ऐसे भी तो बहुत सारे भाई का कमेंट भी किया, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट किया और यहाँ पर भी कमेंट किया, बहुत ज़्यादा भाई का कमेंट आ रहा है। तो क्या एडिटिंग सीखने से पहले मैं आप सबको एक बात बोल देना चाहता हूँ, मैं जिससे एडिटिंग करता हूँ ना, पहले उसके बारे में आप जान लीजिए। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज हो गया ना जिस चीज़ से मैं एडिटिंग करता हूँ, तो आप एडिटिंग बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो मैं कैन मास्टर से एडिट करता हूँ। तो आज का ये वीडियो सिर्फ कैन मास्टर एडिटिंग के लिए है और एडिटिंग कोर्स के लिए है। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा कि मैं कैन मास्टर कैसे यूज़ करता हूँ और आप लोग भी कैसे कैन मास्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर कैन मास्टर के बारे में आप पूरा जान गए ना, तो एडिटिंग करना बहुत आसान होता है। आप चुटकी में एडिट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो आप चुटकी में एडिट कर सकते हैं। बिन टाइम वेस्ट किए चले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप जाएगा प्ले स्टोर में और यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना है कैन मास्टर। जैसे आप कैन मास्टर सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास पहले से तो देख लीजिए आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। या आपको देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ये होम पेज भी दिया है, यहाँ पर बहुत सारे मतलब टेम्पलेट्स भी बोलोगे, बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर मिक्सिंग का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर मतलब आप खुद का कैन मास्टर में वीडियो बना के यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हो। और बगल में दिया है क्रिएट का, मेन बात यही होता है, मेन चीज़ आपको यहीं पर ध्यान देना। कुछ भी हम एडिट करेंगे तो क्रिएट में आकर आपको सब कुछ करना। और ये बगल में देखिए मी का ऑप्शन दिया, यानी कि खुद से आप कैन मास्टर मतलब खुद के कैन मास्टर में कानून बना सकते हैं, जहाँ से आप वीडियो फोटो व कुछ भी अपलोड कर सकते हैं कैन मास्टर एप्लीकेशन। तो देख लीजिए हमें ये कैंसिल करना है और देख लीजिए क्रिएट वाला ऑप्शन में आना है। इसके बाद हम क्रिएट न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद देख लीजिए आप बहुत सारे यहाँ पर आपको रेशियो मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो आपके 16:9 का रेशियो लेना है। अगर हम यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, 16:9 का रेशियो लेना। खास करके ये दो रेशियो बहुत ज़्यादा काम आता है, 16:9 and 9:16 बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए मैं ये 9:16 के यूज़ करता हूँ। तो क्रिएट करना है और जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे ना, जैसे यहाँ पर हम ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। मीडिया देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिया है, चलिए मैं कोई एक फ़ोटो व पिक्चर ले रहा हूँ यहाँ से। तो इमेज में जाएंगे, आपको यहाँ से पिक्चर कोई एक ले लेना है। जैसे हम पिक्चर में क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे रिप्लेस का ऑप्शन देखने को मिला, ट्रिम स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कलर फिल्टर एडजस्टमेंट, क्लिप ग्रेफ, भेगनेट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे अब यहाँ 3D डॉट में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा डुप्लीकेट एज ए लेयर। जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि एक जो था डबल हो गया। अब डुप्लीकेट एज ए लेयर करेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसी का डुप्लीकेट यानी कि लेयर में बदल जाएगा। और फिर से करेंगे तो फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा, और फिर से करेंगे तो फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा। चलिए डुप्लीकेट का काम हो गया हमारा, इससे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है रिप्लेस, यानी कि हम इसे रिप्लेस करेंगे ना, इसके सिवा हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे रिप्लेस किया है यहाँ पर व्हाइट कलर की आ गया, चाहे वीडियो पर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको दिया है जैसे दिया है ट्रिम स्प्लिट, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ट्रिम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से कट जाएगा, ट्रिम राइट यानी कि राइट वाला जो भी आपका पाथ है ना वो कट जाएगा। और दिया स्प्लिट, स्प्लिट यानी कि दो भाग में इसे बांट सकते हैं। और स्प्लिट एंड इनसेट फ्रेम, मतलब इसका मतलब ये होगा जैसे कि आप अगर इस पर हम क्लिक करते हैं ना, स्प्लिट तो हो गया और आपका जो कैप्चर भी हो गया, जैसे प्रोफाइल में आप देख सकते हो कैप्चर भी हो गया, मतलब स्प्लिट करने के बाद कैप्चर भी हो जाता है। इसमें बैक आना है, इसी को डिलीट कर देंगे। और यहाँ देखें ट्रिम लेफ्ट का मतलब लेफ्ट का जो भी हमारे पास था ना खत्म हो गया, यानी कि कट हो गया। चलिए अभी हम राइट करते हैं, राइट वाला खत्म हो गया। और स्प्लिट करते हैं यानी कि दो भाग में, इसे दो भाग में ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, जिसे हम दो भाग में बन गया। इसमें बैक आना है, चलिए हम कोई एक हम लेयर ले लेते हैं यहाँ से। लेयर लेने के लिए आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जाने के बाद कोई एक हम लेयर लेंगे। चलिए इस टाइप में यहाँ पर हम लेयर ले लेते हैं, लेयर को हम ऐसे कर देंगे। अगर वीडियो बढ़ाना है तो आपको देख लें यहाँ पर खींच के लेंथ पीस के बढ़ा, फुल स्क्रीन करना है तो आपको स्प्लिट स्क्रीन में जाना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है इन एनिमेशन, मतलब इन एनिमेशन। जैसे इन एनिमेशन में जाएंगे तो इफेक्ट वाला ऑप्शन में दिया है, पॉप वाला ऑप्शन में दिया है, स्लाइड लेफ्ट में दिया है, यहाँ बहुत सारे मतलब ऑप्शन देखने को यहाँ मिल जाएगा। और इसको ओवरऑल में जाएंगे यानी कि जो होता चलता रहे ब्लैंक शो, वीडियो को कुछ ऐसा चलाएंगे ना, देखिए ब्लैंक शो
ऐसे करेंगे, ओवरऑल का ऑप्शन ये हो गया। ऐसे हमको नून करना है और आउट एनिमेशन जो आपका वीडियो का लास्टिंग वाला होता है, लास्ट में होता है, जो भी आपको जो भी फोटो वीडियो का लास्ट वाला होता है एंडिंग में, ये वाला वो हो जाएगा, देखिए उसमें काम करेगा आउट एनिमेशन। चलिए डिलीट करने के लिए यहाँ तक डिलीट का ऑप्शन दिया, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और स्क्रीन शॉट करने के लिए दिया है ये वाला, आपको बैक आना यहाँ के लिए कैप्चर कर सकते हैं। और भी इसके बारे में जान लेते हैं, चलिए कोई और भी एक लेयर लेते हैं यहाँ से। चलिए हमारा लेयर हो गया और नीचे देखिए क्रॉपिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ से हम क्रॉप भी कर सकते हैं, अच्छे से आप क्रॉप भी कर सकते हो, कोई वीडियो कोई भी फोटो को आराम से क्रॉप कर सकते हैं। और एक और बात जान लीजिए, फिल्टर का ऑप्शन भी दिया है, मतलब अच्छे से हम फिल्टर भी इस पर मतलब फिल्टर भी लगा सकते हैं। सिंपली यहाँ से देखिए फिल्टर का ऑप्शन भी दिया है, फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं आराम से, बैक आ जाना है, कोई हमें फिल्टर यूज़ करना नहीं है। और यहाँ एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया है, यानी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, कुछ कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं, बहुत यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, रिसेट कर सकते हैं। और अल्फ़ा का ऑप्शन भी दिया है, अल्फ़ा आप इसे कम भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अल्फ़ा मतलब इस वीडियो का अल्फ़ा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बैक आ जाना है। और ब्लेंडिंग का ऑप्शन में दिया है, नो मल्टीप्लाई, डार्कनेस, कलर बॉन्ड्स, लीनियर बॉन्ड्स, लाइटनेस, स्किन एवरेज, लीनियर डॉक्स, यानी बहुत सारे ऑप्शन में देता है, आप यूज़ करके आप खुद अगर आप दो तीन बार यूज़ करेंगे ना कैनवास ऑटोमेटिक आप चला सकते हो, कुछ कठिन भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी में आप चला सकते हो, मतलब आप दो तीन बार यूज़ करेंगे ना अच्छे से दादा सिंपली आप चला सकते हैं। चलिए मैं कुछ एक और भी यहाँ से लेयर ले रहा हूँ, लेयर लेने के लिए तो आपको मालूम है लेयर में जाना, मीडियम में जाना और कोई एक लेयर यहाँ से ले लेना है। चलिए मैं एक और लेयर लेता हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर देना है, फुल स्क्रीन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका की फ्रेम का ऑप्शन भी दिया है, एक चाबी वाला ऑप्शन यहाँ पर आप की फ्रेम का ऑप्शन भी दिया है, देख सकते हैं की फ्रेम का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ की फ्रेम भी लगाने के लिए बोला है, जैसे प्लस वाला ऑप्शन करें तो हम की फ्रेम भी आराम से लगा सकते हैं, आराम से ऐसे की फ्रेम भी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ जितना मन उतना की फ्रेम लगा घुमा सकते हैं, जैसे हम चाबी वाला ऑप्शन में जब भी प्लस करेंगे तो जितना मन उतना फुल स्क्रीन कर सकते हैं, छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं, की फ्रेम लगा सकते हैं, मेन काम यही होता है की फ्रेम इसका। चलिए मैं कोई एक फ़ोटो लेता हूँ यहाँ से, किसका फ़ोटो लूँ, तो वीडियो है, चलिए मैं अपना खुद का फ़ोटो यहाँ से ले लेता कोई एक, चलिए मेरे खुद का फ़ोटो है ले रहा हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने क्रोमा की का भी ऑप्शन दिया है, आराम से क्रोमा की कर सकते हैं, बैकग्राउंड को जो भी कलर आप हटा सकते चाहे तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर नहीं है, अगर कलर होता तो हट जाता, क्रोमा की का ऑप्शन भी दिया है। और मैजिक रिमूवर का ऑप्शन दिया, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो का है ना बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, देखिए रिमूव हो गया जो हमारा बैकग्राउंड था, ऑटोमेटिक रिमूव हो गया यहाँ से। और ये कुछ नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, जो यहाँ पर खास दिखाया गया है ना, जो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, वही बात मैं आप सबको बता रहा हूँ। अगर आप काइन मास्टर हो तो तीन बार अच्छे से यूज करेंगे ना तो आप अच्छे से एक एडिटर बन सकते हो, बहुत अच्छे से आप एक एडिटर बन सकते हैं अगर दो तीन बार अच्छे से हम यूज कर लेंगे तो, जैसे मैं वीडियो में बताया अगर उस टाइप से अगर आप यूज करेंगे ना बहुत अच्छे से एडिटर बन सकते, बता दिए लेयर भी बता दिया। और इफेक्ट क्या, तो इफेक्ट भी आप लगा सकते हो, जो ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लर वाला इफेक्ट पहले से दिया है, इफेक्ट भी लगा सकते हैं, मोशेक इफेक्ट भी दिया, आराम से ब्लर कर सकते हैं यहाँ से, हम डिलीट कर देना। और यहाँ पर देखिए स्टिकर का ऑप्शन दिया है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्टिकर का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से स्टिकर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देखिए फुटबॉल का भी है, बहुत सारे स्टिकर आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, सेम बैक आ जाना है। और यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ लेयर में क्लिक करेंगे, स्टिकर मतलब बहुत सारे स्टिकर भी दिया है और टेक्स्ट भी दिया, आप कोई भी मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं, हेलो हेलो जैसे हेलो लिखेंगे। और इसको हम कलर यहाँ से कलर में आकर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, चलिए कलर भी चेंज हो गया हमारा। और जो नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है आउटलाइन, इसे आउटलाइन भी कर सकते हैं, जैसे ब्लैक कलर है इसमें हमको ये कलर भी लगा सकते हैं, ये भी कलर लगा सकते हैं, बैक आ जाना है। और शैडो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शैडो में कौन सा कलर चाहिए, शैडो में चलिए चलिए कोई ये कलर ले लेते हैं, इस वाला कलर यहाँ से हम शैडो भी यूज़ कर सकते हैं शैडो में। और यहाँ पर ग्लो में ऑप्शन दिया, ग्लो में कोई भी एक कलर यूज कर सकते हैं आप, मतलब जितना चाहे हम जितना मतलब इसमें हम ध्यान से देखेंगे ना काइन मास्टर में, जितना ध्यान से हम देखेंगे यहाँ पर सब कुछ आपको दिया हुआ होता है, अगर हम अच्छे से यहाँ पर मतलब काइन मास्टर को अच्छे से चलाएंगे ना सब कुछ सीख जाएंगे, कोई मतलब मुश्किल नहीं है,
बैकग्राउंड कलर भी दिया है, इसे बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हो, जो बैकग्राउंड में कलर होता है। देखिए यहाँ पर कलर भी दिया है, इसको फुल कर देना है और ये सॉफ्ट कर देना है। देखिए बैकग्राउंड में कलर भी लग गया, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। और इसमें अब कोई खास नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आप चाह रहे हो मतलब इसका फ़ोन चेंज करना है तो आप फ़ोन भी चेंज कर सकते हो आराम से, यहाँ पर फ़ोन भी चेंज करने वाला ऑप्शन भी है, फ़ोन भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिले। तो आज का वीडियो हमारा कैसे लगे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट भी कीजिएगा, मैं अगला वीडियो भी बना दूंगा। चलिए मैं कल परसों से एडिटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, सो आप लोगों को मुझे सपोर्ट रहेगा, आप लोग ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए।